मैं हूँ अनामिका, और अगर आप अपनी न्यू ईयर पार्टी पे कुछ इस तरीके का लुक क्रिएट करना चाह रहे हैं, ब्लैक स्पूकी आईज विद ग्लिटर, तो ये वीडियो आज आप लोगों के लिए ही है। और ये वीडियो यकीन मानिएगा इतना सिंपल है, बिल्कुल आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि क्या प्रोडक्ट्स मैंने इसमें लगाए हैं, किस तरीके से मैंने ये ग्लिटर लुक को क्रिएट किया है। और जितने भी आज मैंने प्रोडक्ट्स यूज करे हैं सारे अमेजन से ऑर्डर करे हैं। अमेजन से मंगाना मैं इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि हमेशा बहुत अच्छा डिस्काउंट चलता रहता है, और इसके अलावा मैं क्वालिटी को लेकर एश्योर रहती हूँ हमेशा। इनकी फास्टेस्ट डिलीवरी है। अभी मुझे ये लुक क्रिएट करना था आप लोगों के लिए, तो मैंने ऑर्डर किया, तो आप यकीन नहीं मानेंगे मेरे को एक दिन के अंदर डिलीवरी मिल गई, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एनीवेज, तो जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि मैंने क्या प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, किस तरीके से मैंने ये लुक क्रिएट किया है। और जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप लिंक को क्लिक करके सीधे उन पे पहुंच सकते हैं, आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि बेस्ट आई प्रोडक्ट्स कौन से हैं, तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। याद दिला दूं कि स्टार्ट हो रही है 23rd of December से अमेजन पे एंड ऑफ सीजन सेल, बहुत भारी डिस्काउंट मिलने वाला है आप लोगों को, डिलीवरी टाइम पे होगी, तो इस डिस्काउंट को ग्रैब जरूर करें और अपने पैसे बचाइए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने फेस को मॉइस्चराइज करना, तो मैं यहाँ पे निविया की सॉफ्ट क्रीम से अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लूँगी। उसके बाद मैं अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर, और मैं इसको अपने बेसिकली पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। देन उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन, जो कि मेरे वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है, फुल कवरेज देता है। और इस वाले वीडियो में जब मैं ये शूट कर रही थी, जब मैंने ये वेट एंड वाइट का फाउंडेशन अप्लाई किया, तो मुझे कंसीलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैंने सीधे इसको ही अच्छे से ब्लेंड कर लिया और बहुत ही अच्छा कवरेज दिया। गाइज, आप लोगों को याद दिला दूं कि इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको अगर ये प्रोडक्ट्स लेने हैं तो आप सीधे लिंक पर क्लिक करके पहुँच सकते हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने अमेजन से मंगाए हैं, तो मैंने इसको ब्लेंड किया, और आपको पता है कि ये मेरा मोस्ट फेवरेट ब्लेंडर हो चुका है, क्योंकि इसमें इस तरीके का होल्डर दिया हुआ है, तो जब भी हम ब्लेंड करके रखते हैं टेबल पे तो डस्ट वगैरह लग जाता है, तो इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती बिकॉज ऑफ द होल्डर। और जैसे कि वीडियो में देखा आपने कि मैंने लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जिसका कि शेड है आइवरी। मैंने कोई भी कंसीलर आज अप्लाई नहीं किया बिकॉज फाउंडेशन इतना अच्छा कवरेज दे रहा था। नेक्स्ट अब मैं स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल से अपनी आईब्रोज़ को फिलअप कर लूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा डार्क आईब्रोज़ पसंद नहीं है, तो जस्ट मैं इसको इस तरीके से फिल कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का काजल, जो कि मैं जस्ट अपने बहुत ही रफली इस तरीके से सेंटर ऑफ द आईज़ पर अप्लाई कर लूँगी, बट ध्यान रखूँगी मैं इस बात का कि क्रीज लाइन के ऊपर ना निकले मेरे ये, लेकिन बिल्कुल रफली रफली आपको अप्लाई करना है कोई भी काजल हो। मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का काजल अप्लाई किया है बिकॉज बहुत ही बजट फ्रेंडली है, और एज आई प्रॉमिस कि आज मैं आपको सारा बजट फ्रेंडली बताने वाली हूँ। दोनों आईज़ पर मैं रफली इस तरीके से काजल पुट कर लूँगी, और अब मैं एक छोटे से फ्लफी ब्रश को लेकर इस तरीके से ब्लेंड करूँगी, जैसे जो मैंने अभी रफली लगाया था उसको हल्का हल्का सा इस तरह, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, बस उसको ब्लेंड करूँगी। बहुत ही इजी है, आप इस तरीके से अपने कोई भी काजल को रफली अप्लाई कर लेंगे, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि एक तो क्रीज लाइन के ऊपर नहीं निकले आपका काजल, उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा आँखों के बाहर नहीं निकालना है काजल को, तो बस जहाँ पर आपने अप्लाई किया है काजल वहीं आप ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लें। इसमें बस ब्लेंडिंग में हल्का सा टाइम लगेगा आपको। नेक्स्ट आई एम यूजिंग 35G मॉफी आई शेडो पैलेट। बेसिकली इसमें सारे ब्राउनिश कलर्स हैं जो मुझे काफ़ी पसंद हैं, और इसमें मैंने ये वाला जो लाइट शेड है ब्राउन में, वो वाला अपने फ्लफी ब्रश में लूँगी, आई शेडो ब्रश में, और इसको मैं अपनी क्रीज लाइन पर ब्लेंड करूँगी इन एंड आउट करते हुए, और बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब यहाँ पर बेसिकली मैं ब्लेंडिंग इतनी अच्छी करूँगी जिससे कि ये जो ब्लैक मैंने काजल अप्लाई किया है और ये जो लाइट ब्राउन आई शेडो अप्लाई किया है, ये दोनों एक दूसरे से मर्ज्ड हो जाएं।
नेक्स्ट मैं सेम आई शेडो पैलेट से ये ब्लैक कलर का मैट आई शेडो पिक करूँगी, और जहाँ पर मैंने अभी काजल अप्लाई किया था मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था इतने में ही। एनीवेज तो जो मैंने पेंसिल ब्रश लूँगी और जहाँ पर मैंने अभी अभी काजल अप्लाई किया था बस वहाँ पर इसको डार्क करने के लिए, जैसे कि मेरा जो ब्लैक स्मोकी मैंने लुक दिया है वो थोड़ा डार्क हो जाए, तो मैं बिल्कुल हल्का हल्का अप्लाई कर लूँगी उतनी जगह पर। सेम पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं ब्राउन डार्क हल्का सा डार्क ब्राउन शेड है ये, और सेम आई शेडो पैलेट से वो मैं यू नो लोअर लैश लाइंस पर अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं स्विस ब्यूटी का सेम काजल अपने वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बस मस्कारा अप्लाई करके अपने आई मेकअप को कम्प्लीट कर सकते हैं, मुझे तो ऐसे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था नाउ, बट मेरे को ग्लिटर अप्लाई करना था तो मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का ये ग्लिटर अप्लाई करूँगी। मैं ये इसको बस मैं लूँगी और हल्का सा ऊपर अप्लाई कर लूँगी कुछ इस तरीके से, एंड देन इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपनी फिंगर टिप की हेल्प से। ये ग्लिटर्स को अप्लाई करना बहुत बहुत ज़्यादा इजी होता है, अगर आप बिगनर हैं तो इस तरीके से बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, और देख सकते हैं आप कितना प्यारा आई मेकअप लग रहा है, और आप इसको न्यू ईयर पे या किसी भी पार्टी फंक्शन में इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैं अपर लैशेस पे और लोअर लैशेस पे दोनों पर मस्कारा अप्लाई कर लूँगी, मस्कारा मेरा मेबलिन का है, सारे प्रोडक्ट्स मैंने अमेजन से मंगाए हैं, और अमेजन पे स्टार्ट होने वाली है गाइस एंड ऑफ सीजन सेल 23rd of December से, ह्यूज ह्यूज डिस्काउंट्स मिलेगा, क्वालिटी एश्योर रहती है, और सबसे बड़ी बात है कि डिलीवरी टाइम पर आती है, तो अगर आप भी कुछ लेने का सोच रहे हैं तो जल्दी से अमेजन खोल के अपने अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट मैं यहाँ पे मिस रोज़ का ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ, बिल्कुल लाइट पिंकिश शेड है, बहुत ज़्यादा ब्लशर मुझे नहीं अप्लाई करना है, बिल्कुल हल्का हल्का ब्लशर मैं अप्लाई करूँगी, एंड देन हाइलाइटर के लिए मैं मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, इस तरीके से पूरा चीक बोन्स पर, ब्रिज ऑफ द नोज पर, और हल्का सा लिप्स के ऊपर, चिन पर, एंड देन सेंट बिल्कुल इनर कॉर्नर्स पे आइज के, एंड देन ब्रो बोन पे। लिपस्टिक के लिए मैं बिल्कुल लाइट पिंकिश शेड है मेबलिन सेंसेशन का, और ये मैं लिप्स पर अप्लाई कर लूँगी, हल्का सा ग्लॉसी है और विंटर्स में मुझे ग्लॉसी लिप्स पसंद है। और यहाँ पर मैं अपने आई मेकअप को कंप्लीट कर रही हूँ फेक आई लैशेज को अप्लाई करके, मैं आपको यहाँ पर एक आईज में फेक आई लैशेज लगी हुई है और एक आईज में नहीं लगी है, आप चाहें तो लगा सकते हैं आई लैशेज और चाहें तो बिना आई लैशेज के भी काफ़ी अच्छा लग रहा था मेकअप। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज, आप चाहें तो किसी भी पार्टी फंक्शन न्यू ईयर पार्टी पे इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और फिर से मैं हालांकि आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ लेकिन मेरा जाते जाते एक बार बताना ज़रूरी है कि अमेजन पे स्टार्ट हो रही है एंड ऑफ सीजन सेल, तो अगर आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो वहाँ जाके ज़रूर देखिए। थैंक यू सो वेरी मच, और हाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सारे प्रोडक्ट्स के लिंक, वहाँ पर भी जाके आप सीधे लिंक से सीधे आप यू नो प्रोडक्ट्स पर पहुँच सकते होंगे। थैंक यू सो वेरी मच, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।